प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता की सराहना की। कहा, टीकाकरण अभियान से भारत ने रचा इतिहास। प्रदेश भर में उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करवा चौथ के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं। रबी सीजन के लिए प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद हो चुकी है आवंटित। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA में पूर्व छात्र मिलन समारोह को किया संबोधित। विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्व छात्रों से योगदान देने के लिए आगे आने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 82वें संस्करण को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान, संयुक्त राष्ट्र दिवस, केंद्र की नई ड्रोन नीति जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत द्वारा किए गए 100 करोड़ टीकाकरण पर भी बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता दुनिया के सामने भारत की क्षमता को दर्शाती है। आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूँ कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पुलिस बल में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से लोगों, विशेषकर महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों अन्य बेटियों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं। उन्होंने महिलाओं से, पुलिसकर्मियों से अपील करते हुए कहा कि एक बार स्कूल खुलने के बाद वे अपने क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा करें और वहाँ की लड़कियों से बात करें। पहले धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या डबल हो गई है, 2 गुनी हो गई है। हमारी ये महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोल मॉडल बन रही है। मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें, वहाँ बच्चियों से बात करें। मुझे विश्वास है कि इस बातचीत से हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी। प्रदेश भर में करवा चौथ का व्रत आज उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में आज काफी रौनक दिखाई दे रही है और दुकानें काफी सजी हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सुहागिनों के महापर्व के शुभ अवसर पर समस्त मातृशक्ति को ढेर सारी शुभकामनाएं। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं और कोरोना नियमों का पालन करते हुए मेहंदी लगवा रही हैं। दुकानदार भी कोरोना नियमों का बखूबी पालन कर रहे हैं। खरीदारी करने आई महिलाओं ने कहा कि पति की लंबी आयु की कामना कर व्रत रख कर काफी खुशी महसूस हो रही है। शॉपिंग करते वक्त मास्क का भी पूरा ध्यान रखा है, मास्क लगा कर ही हम शॉपिंग करने गए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी हमने ध्यान रखा है ताकि ये महामारी पनप ना पाए। शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे। मार्केट में फुली रश है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सभी लेडीज काफी इंजॉय कर रही है, तो पार्लर्स पे भी, शॉप्स पे भी बहुत रश है। स्थानीय दुकानदारों का मानना है कि बाजार में आम दिनों के मुकाबले ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं।
और कस्टमर का बहुत बड़ा उत्साह है कोविड-19 के बाद, और बहुत ही अच्छी खरीदारी कर रहे हैं कस्टमर। रेडी में बहुत उत्साह दिख रहा है। करवा चौथ का त्यौहार है, कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भीड़ भड़का नहीं है, आराम से सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क के बारे में कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, अपनी सेफ्टी करो। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए 3 लाख मीट्रिक टन यानी 60 लाख बैग डीएपी खाद आवंटित हो चुकी है, जो पिछले 5 वर्षों की अनुमानित संख्या से 20% ज्यादा है। कृषि मंत्री भिवानी में प्रदेश सरकार के 7 साल 7 कमाल कार्यक्रम पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जरूरत के अनुसार ही डीएपी और अन्य खाद खरीदें। तो इसलिए ये है कि हमें हरियाणा की खाद हरियाणा में रहे, क्योंकि खाद का लोकेशन जो है स्टेट वाइज है, और हमने यही फैसला किया है कि जो आदमी हरियाणा के किसान है उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको खाद दे दें। बार बार मैं कह चुका हूँ कि हरियाणा के किसान को खाद की वजह से बिजाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में 76,983 1/10 से लेकर 22 तक, कल तक का मैं हिसाब देता हूँ, 76,983 मीट्रिक टन खाद जो है बिकी थी। इस बार 89,988 मीट्रिक टन खाद हम बेच चुके हैं, डीएपी की बात करता हूँ सिर्फ। आज के दिन हमारे पास 26,891 मीट्रिक टन खाद है। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर सर्वाधिक फसलें खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए विविधीकरण पर जोर दिया गया है। करना नहीं है, हमारा मकसद यह है कि कालाबाजारी ना हो और हर किसान को जरूरत के हिसाब से उसको डीएपी मिल जाए। और ये लोग जो कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन हमने इतनी सख्ती कर रखी है कि हर आदमी स्टॉक रखेगा। अब जो भी ट्रक आता है हमारा एग्रीकल्चर विभाग का आदमी साथ जाता है और साथ में खड़े होकर उनको बंटवाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्व छात्रों से योगदान देने के लिए आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना चाहिए। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे हैं और गुरुकुल अपने संसाधन गुरु दक्षिणा के माध्यम से जुटाते थे। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पूर्व छात्रों की भूमिका को सक्रिय बनाना होगा। कहते शिक्षा फ्री होती थी, मुफ्त होती थी। वो मुफ्त होती थी या नहीं होती थी, साधन तो लगते ही थे, खर्चा तो आता ही था, लेकिन मुफ्त इसलिए होती थी वहां सरकारें वरकारें कुछ चलाती नहीं थी, गुरुकुल आत्मनिर्भर थे। काम एक ही होता था कि शिक्षा के बाद विद्यार्थी की दीक्षा होती थी और दीक्षा के समय वो विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देता था। गुरु दक्षिणा किस काम आती थी? उस गुरुकुल को चलाने में काम आती थी। तो क्या हम गुरु दक्षिणा पद्धति को शुरू नहीं कर सकते? जिनको पढ़ाई में सहायता करनी है उसका भी, जो न्यूनतम आय के लोग हैं, अच्छे प्रतिभावान हैं, टैलेंटेड हैं, गुणी हैं, उनको सहायता करना। यूनिवर्सिटीज को भी हम कह रहे हैं कि एक फार्मूला बना लो कि इस लेवल तक की आय का आदमी अगर वो एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई करता है तो उसको पूरी फीस माफ करो। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जेसी बोस हरियाणा स्टार्टअप प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। ये प्रतियोगिता जगदीश चंद्र बोस की जयंती 30 नवंबर तक चलेगी, जिसमें विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 3 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से उनको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर बनाए। शिवकर जैसी बोस यूनिवर्सिटी बहुत प्रगति कर रही है। जब 1900
69 के अंदर ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक कॉलेज था ये, और बढ़ते बढ़ते आज एक मध्यप्रदेश का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम जिले के गांव समरथला में आयोजित विकास रैली में सोहना विधानसभा क्षेत्र को 125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने समरथला गांव में करीब 23 फुट ऊंची वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार कदम उठा रही है। श्रमथला गांव में महान सेनानी बलिदानी आंदोलनकारी शहीद महाराणा प्रताप के प्रतिमा का आज यहां अनावरण हुआ। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास की शख्सियत महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने सबके स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में भटक भटक करके विरोधियों का प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए रातों रात भूखे रहकर अपनी सेना को एकत्र किया, और जहां तक उन्होंने अपनी सीमा समझी वहां तक ये मुकाबला किया और शहीद हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दमदमा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निश्चित योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सोहना में 6 स्थानों पर सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे जिन पर 10 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार HRDF से 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आलम ने कहा कि उसकी विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है या पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से। उसकी विकास ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना हो, टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तो उनको इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है। वहां पर एक PHC की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है, जमीन के लिए अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ लागत आएगी। प्रदेश में धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी के सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि मंडी में 17,08,000 क्विंटल धान की आवक हुई है। उन्होंने बताया कि धान बेचने आए किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंडी सचिव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी के गेट पर आकर गेट पास अवश्य बनवाएं। किसानों ने बताया कि मंडी में धान खरीद के कार्य के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य भी मिल रहा है। तो अब जो माल है सही तो तोल हो रहा है, पूरे रेट पे तोल रही है और पेमेंट भी साथ ही साथ आ रही है 72 घंटों में। लगभग व्यवस्था हम कहेंगे ठीक रही। अजीरी ले आना सुबह तो अजीरी साफ होगी और बिकने वाली अजीरी बिक जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई गई किसी, मेरे को तो कभी आई नहीं गई, पहले भी गेहूँ बेची थी कोई दिक्कत नहीं आई थी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। DD न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता की सराहना की। कहा, टीकाकरण अभियान में रचा है भारत ने इतिहास। प्रदेश भर में उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करवा चौथ के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, प्रदेश में DAP खाद की कोई कमी नहीं। रबी सीजन के लिए प्रदेश में 3,00,000 मीट्रिक टन DAP खाद हो चुकी है आवंटित। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने JC बोस विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA में पूर्व छात्र मिलन समारोह को किया संबोधित।
विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्व छात्रों से योगदान के लिए आगे आने का किया आह्वान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, दो गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें, और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।